हेलो फ्रेंड्स, वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक पपी को पारवो वायरस से रिकवरी के बाद में हमें क्या डाइट देनी चाहिए। इसका मतलब ये कि पारवो रिकवरी डाइट क्या रहनी चाहिए, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा जो हम आज डिस्कस करेंगे डाइट प्लान, रिकवरी डाइट प्लान, ये हमने हमारे काफ़ी पेशेंट्स पर अप्लाई किया है और इसके हमें बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पारवो वायरस जब हमारे पपी को होता है तो उसके इंटेस्टाइन, ईसोफेगस से लेकर के स्टमक और इंटेस्टाइन, पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें एरोजन्स हो जाते हैं। सामान्य भाषा में हम कहें तो उसमें छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिस वजह से उसको हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, मतलब ब्लड भी निकलता है उल्टी में और पोटी में भी ब्लड आता है। और इस वजह से वो जो कुछ भी खाता है या पीता है वो पचा नहीं पाता है, उसमें डाइजेशन नहीं हो पाता है। और आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो पपी है वो कुछ भी खाए या ना पिए, और साथ में ही उसका ट्रीटमेंट 5 से 7 दिनों तक और कई कई बार 8 से 10 दिनों तक भी चलता है। सुबह शाम उसको ड्रिप लगती है और साथ में ही बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी लगती हैं। तो अब अगर आपका पपी रिकवर कर गया है, रिकवरी मीन्स हम कहते हैं कि अब उसे 1 या 2 दिन या 3 दिन से उल्टी नहीं हुई है या पॉटी में ब्लड नहीं आ रहा है और पॉटी अब सॉलिड हो चुकी है, तो उसको हम रिकवरी फेज़ मान सकते हैं। तो अब हमें उसमें रिकवरी फेज़ में उसे क्या डाइट देनी चाहिए, उसको हम आज आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में आजकल बहुत से कमर्शियल फूड हैं जो कि पारवो रिकवरी डाइट के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि रॉयल कैनिन का भी पारवो रिकवरी फेज फूड के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। बट इनकी जो आप देखेंगे ये अफोर्डेबल हर लोगों के लिए नहीं होते हैं, हर पेट पेरेंट के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो हम जो आज आपको रिकवरी फूड बताने वाले हैं वो होममेड रिकवरी फूड है और ये हमारे खुद के ही प्लान किए गए डाइट के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका डॉग जो है वो रिकवर कर जाता है पारवो से, मतलब 2-3 दिनों से उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है और डायरिया भी जो है बंद हो चुका है, ब्लडी डायरिया नहीं रहा है और पॉटी भी थोड़ी बाइंड हो चुकी है, तब हमें उसे रिकवरी डाइट के फॉर्म में क्या देना चाहिए। तो पहले 3 से 4 दिन के लिए आपको पपी का जो सेरेलेक आता है, जो कि आप जब पपी को लाते हैं तब उसे आप देते हैं, तो आप पपी सेरेलेक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि छाछ हो गई, दही हो गया, या फिर जिसको हम कह सकते हैं दलिया के फॉर्म में आप उसे दे सकते हैं। बहुत से पेट पेरेंट क्या गलती करते हैं कि उसे जो है डॉग फूड पर ले आते हैं या फिर एग्स पर ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती मत कीजिए क्योंकि अभी उसकी इंटेस्टाइन प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है और वो हाई प्रोटीन डाइट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसे वापस से वॉमिटिंग और डायरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है। और ऐसा अगर दोबारा से हो जाता है तो फिर आपको वापस से वेट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है वो है जब हम चावल को उबालते हैं, तो जो चावल को उबालने के दौरान जो हमारे पास पानी बच जाता है वो आप उसे दे सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मांड कहते हैं, तो वो आप उसे पिलाइए, तो उसमें स्टार्च मिलता है और ये एक तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन को भी दूर करेगा, प्लस उसके इंटेस्टाइन को सूदिंग इफेक्ट भी देगा और जो उसके घाव हैं वो जल्दी से भर भी जाएंगे। साथ में ही वो डायरिया को रोकने की प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। तो आप दो चीज़ें तो आप कर सकते हैं इजीली, एक तो सेरेलेक दे सकते हैं, दही या छाछ दे सकते हैं, और चावल का जो उबले हुए चावल का पानी है वो आप उसे कंटिन्यूसली दे सकते हैं। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो है स्टीम्ड एप्पल। जो हम एप्पल लेते हैं उसको अगर आप भाप दे लेते हैं तो उसे हम स्टीम्ड एप्पल कहते हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआती 3 हफ्तों तक या हम कहें 2 से 3 हफ्तों तक आपको यही डाइट फॉलो करनी होती है, जिसमें हमने आपको बताया सेरेलेक, पपी सेरेलेक हो तो बेटर रहेगा, उसके साथ साथ में छाछ और दही, और उसके साथ में ही जो मांड हमने कहा बॉइल्ड राइस का जो पानी है वो, और साथ में ही स्टीम्ड एप्पल। इन सभी चीज़ों को आप अगर बैलेंस्ड फॉर्म में दें, इसका कहने का मतलब है अगर आप डाइट को 4 बार आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप दिन में 6 बार अगर देते हैं, तो उसको आप नियत अनुपात पर आप धीरे धीरे थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा करके दे सकते हैं। ध्यान ये रहे कि लिक्विड और सेमी लिक्विड जो डाइट है वो उसे ज़्यादा प्रेफर करना है, और एक बार डाइट देने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार करना है कि डॉग जो है जो भी डाइट आप दे रहे हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको झेल पा रहा है या नहीं।
तो फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान रखना है कि हमें एकदम से हाई प्रोटीन डाइट या फिर कमर्शियल फूड पर नहीं आना है, और हमें इस बैलेंस्ड डाइट को जो हमने मैनिपुलेट किया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।